हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम इन्फिनिटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज किया जाता है, क्या परफेक्ट रूल होता है, क्या परफेक्ट मेथड होता है इस तरह के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करने का। आज के इस वीडियो में आप वो सभी रूल, सभी मेथड को जानने वाले हैं। उससे पहले, अगर आपने अभी तक इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अब हम चलिए ये जानते हैं कि किस तरह से हम इन्फिनिटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन सभी रूल के बारे में जानने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इन्फिनिटिव सेंटेंस होता क्या है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ इन्फिनिटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए, इन्फिनिटिव सेंटेंस को समझने से पहले आपको इन्फिनिटिव वर्ब के बारे में जानना ज़रूरी होता है। जब तक आपको इन्फिनिटिव वर्ब के बारे में पता नहीं होगा, तब तक आपको इन्फिनिटिव सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्फिनिटिव वर्ब होता क्या है। देखिए, इन्फिनिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया होता है। वो क्या होता है? वो इन्फिनिटिव वर्ब होता है, यानी इन्फिनिटिव वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज किया गया होता है। अब यहाँ पे देखिए, इन्फिनिटिव वर्ब मैंने जैसा अभी आपको बताया, इन्फिनिटिव वर्ब, अब ये इन्फिनिटिव वर्ब सेंटेंस में किस तरह से यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ कि इन्फिनिटिव वर्ब का यूज सेंटेंस में नाउन की तरह यूज किया जाता है। इसको या तो आप कहाँ पे यूज करेंगे, या तो आप सब्जेक्ट में यूज करेंगे, या तो आप ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे। इसका यूज आप कभी भी मेन वर्ब की तरह नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ पे ये थोड़ा समझ में आ गया होगा कि इन्फिनिटिव वर्ब का यूज हम किस तरह से सेंटेंस में करते हैं, या तो सब्जेक्ट के तौर पे, या तो ऑब्जेक्ट के तौर पे। इसका यूज हमेशा नाउन की तरह किया जाता है। अब यहाँ पे जिस सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया होता है, वो सेंटेंस क्या होता है? वो सेंटेंस इन्फिनिटिव सेंटेंस होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपके सामने तीन सेंटेंसेस लिखे गए हैं। पहला सेंटेंस क्या है? आई एम टू वॉच दिस मूवी। यहाँ पे देखिए, टू उसके बाद वॉच, यानी टू उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सा वर्ब है? ये इन्फिनिटिव वर्ब है। इन्फिनिटिव वर्ब का यूज किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? इन्फिनिटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये जो टू वॉच, इसका यूज किया गया है, इसका यूज मेन वर्ब की तरह नहीं किया गया है। इसका यूज यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे नाउन की तरह किया गया है। यहाँ पे देखिए, दूसरा सेंटेंस क्या है? इट इज़ टाइम टू राइट एन एसे। अब यहाँ पे देखिए, टू राइट, ये टू है और ये राइट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे भी ये क्या है? ये इन्फिनिटिव वर्ब है। इसका यूज कहाँ पे किया गया है? ऑब्जेक्ट में किया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? देयर इज़ नो प्रोजेक्ट टू कम्प्लीट। यहाँ पे देखिए, टू कम्प्लीट, यहाँ पे टू और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तीनों क्या है? ये तीनों इन्फिनिटिव वर्ब हैं, और इन तीनों का यूज यहाँ पे नाउन के तरह किया गया है। कहाँ पे? ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ पे इन तीनों सेंटेंस में जब इन्फिनिटिव वर्ब का यूज किया गया है, तो ये तीनों सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? ये तीनों सेंटेंस इन्फिनिटिव सेंटेंस है, इन्फिनिटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे आपको ये थोड़ा समझ में आ गया होगा कि इन्फिनिटिव वर्ब क्या होता है और इन्फिनिटिव सेंटेंस क्या होता है। इन्फिनिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज किया गया होता है, वो इन्फिनिटिव वर्ब होता है। और इन्फिनिटिव वर्ब का यूज जिस भी सेंटेंस में किया गया होता है, वो सेंटेंस क्या होता है? इन्फिनिटिव सेंटेंस होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम जानते हैं कि किस तरह से इन तीनों सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज किया जाता है, क्योंकि ये तीनों सेंटेंस क्या है? ये तीनों सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे आपको देखिए बताया गया है, यहाँ पे ये मेथड, यहाँ पे ये मेथड और यहाँ पे ये मेथड, तीन मेथड यहाँ पे आपको बताया गया है।
पहला मेथड क्या है? देखिए, जब आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो, सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब जरा अगर हम इस स्ट्रक्चर से इस सेंटेंस की तुलना करें, इस सेंटेंस को कंपेयर करें, तो देखिए ये किस तरह से है। मैंने जैसा अभी आपको बताया कि सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से किसी का भी यूज किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए एम का यूज किया गया है, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, दिस मूवी। तो ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये इस वाले मेथड से, इस वाले स्ट्रक्चर से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। अब हम इस तरह से, जहाँ पे ये बताया गया है कि इस तरह के सेंटेंस को कैसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे जैसा आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का क्या हो जाता है, वो सब्जेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए दिस मूवी, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस मूवी, दिस मूवी। उसके बाद आपको क्या करना है, इज एम आर, इसके अकॉर्डिंग दिस मूवी, इसके अकॉर्डिंग आपको इनमें से किसी एक का यूज कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए दिस मूवी इज, उसके बाद आपको क्या करना है, टू बी का यूज करना है। यहाँ पे देखिए टू बी आपको लिख देना है, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब क्या है, वॉच, और वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच्ड। उसके बाद वॉच्ड, अब यहाँ पे देखिए बाय के साथ ये जो सब्जेक्ट है इसको हम क्या कर देंगे, एजेंट बना देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय और यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी। आपने देखा किस तरह से चेंज हो गया एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इट इज टाइम टू राइट एन एसे। अब यहाँ पे जरा हम इस सेंटेंस को इस सेंटेंस स्ट्रक्चर से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, इट इज टाइम टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन, इट इज टाइम टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या है, नाउन है। यानी ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये सेंटेंस इस सेंटेंस स्ट्रक्चर से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है इट इज टाइम फॉर नाउन, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा इट इज टाइम फॉर नाउन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इट इज टाइम, इट इज टाइम फॉर, उसके बाद यहाँ पे नाउन क्या है, एन एसे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एन एसे, उसके बाद आपको क्या करना है, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू बी और वर्ब क्या है, राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न। इस तरह से आप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस क्या है, देयर इज नो प्रोजेक्ट टू कंप्लीट। यहाँ पे इस सेंटेंस स्ट्रक्चर से जरा कंपेयर करिए, देयर इज आर वाज वर, उसके बाद नाउन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देयर इज नो, यहाँ पे उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या है, ये नाउन है, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी ये जो सेंटेंस लिखा गया है इस सेंटेंस स्ट्रक्चर से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। इसको हम चेंज करेंगे इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, देयर इज आर वाज वर, ठीक है, उसके बाद नाउन टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसा आपसे यहाँ पे कहा गया है, आपको बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंज करेंगे। अब यहाँ पे आप लिखेंगे देयर, उसके बाद इज नो, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट, यहाँ पे सॉरी नो प्रोजेक्ट, उसके बाद टू बी कंप्लीटेड, टू बी कंप्लीटेड। यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरह से जब आपका सेंटेंस इन्फिनेटिव सेंटेंस हो, आपके सेंटेंस में जब भी इन्फिनेटिव वर्ब का यूज किया गया हो, तो आप इस तरह से इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से हम इन्फिनेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं। इसी तरह से आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ और देखते रहिए हर एक वीडियो जो आपके लिए यहाँ पे अपलोड किया जा रहा है इस यूट्यूब चैनल पे, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए।